मीटिंग कराई जाएगी। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। किसान भाइयों, ये जो कटड़ी है इसकी उम्र अभी 2 साल हो चुकी है और किसान भाइयों, फर्स्ट बार कटड़ी को जो मीटिंग कराई जाती है उसमें काफ़ी दिक्कतें आती हैं, तो उसके लिए किसान भाइयों इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो किसान भाइयों, जैसा कि आप की जो भी कटड़ी है वो किसी भी नस्ल की हो चाहे, तब तक उसके 2 दांत की वो नहीं हो जाती है तो आप उसे ना कराएं। 2 दांत की होने के बाद ही किसान भाइयों आप अपनी कटड़ी को मीटिंग कराएं, और इसके बाद आपकी जो कटड़ी की मीटिंग कराने के बाद जो अगली आप उसकी जो नस्ल होगी बहुत ही अच्छी किस्म की नस्ल कटड़ी देगी और बड़े आसानी से आप अपने दुग्ध पालन को बढ़ा सकते हैं। और मैं आपको एक और नॉलेज की बात बता दूं कि आप अपनी जो फर्स्ट मीटिंग होती है जो कटड़ी की, उसको पड्डे से ही कराएं। डॉक्टर की यहां पर आप बिल्कुल भी डॉक्टर से ना कराएं, क्योंकि डॉक्टर से कराने पर आपकी कटड़ी ख़राब हो सकती है। तो किसान भाइयों, आप नेचुरली जो प्राकृतिक अपने पाड़े होते हैं उनसे ही मीटिंग कराएं अपनी कटड़ी की, ताकि आपकी कटड़ी काफ़ी अच्छी नस्ल सुधार हो सके और अधिक से अधिक दुग्ध का उत्पादन पाने के लिए आपको अपनी अनुसार जिस नस्ल का आपका कटड़ी है उसी नस्ल का आपको पाड़ी या बुल की सुविधा अनुसार उसी से मीटिंग करानी चाहिए। और मीटिंग के समय आपकी कटड़ी है जो, उसको एक ऐसे स्थान पर ले आए जहां पर शोरगुल बिल्कुल ना हो, क्योंकि शोरगुल वाले स्थान पर कटड़ी और पाड़ा दोनों असमंजस की स्थिति में आ जाते हैं और आपका जो मीटिंग है वो सही तरीके से नहीं हो पाएगी। इसलिए आप खुले स्थान पर पहुँच जाएँ जहाँ पर कोई और व्यक्ति या फिर कोई भी अन्य जानवर नहीं हो, केवल आपकी कटड़ी और पाड़ा हो और अच्छा सा पेड़ हो जिसके आप अच्छी तरीके से अपनी जो पाड़ी है उसको बांध दें, उसके बाद आप उससे कटड़ी को कराएं। क्योंकि कटड़ी जो फर्स्ट मीटिंग होती है किसान भाइयों, उसमें दिक्कतें तो आती हैं, इसलिए टहलने का भी डर लगा रहता है कि जो कटड़ी आपकी टहले ना, इसलिए आप कटड़ी को अच्छी तरह से बांध दें और अच्छी पकड़ के साथ अपनी कटड़ी को मीटिंग कराएं, ताकि आपकी नस्ल सुधार की जा सके। यदि आपको और जानकारी लेनी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। किसान भाइयों, अभी कटड़ी की मीटिंग कंप्लीट हो चुकी है। इस पाड़ी ने इस कटड़ी के साथ 5 से 6 बार मीटिंग की है, बहुत ही तरोताज़ा पाड़ा, और अब 10 महीने के बाद ये कटड़ी एक नए बच्चे को जन्म देगी।